के अर्जुन गेट में सड़कों की खस्ता हालत में अब सुधार होगा। अर्जुन गेट में लगभग 18 से 15 गलियों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले जो टाइलों की गलियां बनी थी वह सभी टूट चुकी थी, जिसके कारण गली के अंदर पानी घुस जाता है और लोगों के घर की दीवारें खराब होने लग गई थी, जिसको देखते हुए अब इन गलियों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस कार्य पर लगभग 11,92,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता ने नारियल फोड़ कर इस कार्य का उद्घाटन किया है। उनके साथ वार्ड के पार्षद युद्धवीर सैनी भी मौजूद रहे। विकास कार्यों का शुभारंभ करने के बाद करनाल में रेणुबाला गुप्ता मीडिया से भी रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यहां पर काफी समय से सीवरेज की दुर्दशा चल रही थी, जिसको पहले दुरुस्त करवा दिया गया है और अब लगभग 11,92,000 रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह समय समय पर हो रहे निर्माण कार्य का अवलोकन करते रहे, ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में करनाल में चहुंमुखी विकास हो रहा है और आगे भी करनाल के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यहां हम आपको बता दें कि सड़कों एवं सीवरेज की खस्ता हालत थी, परंतु अब मेयर के प्रयासों से यहां पर नए सीवरेज और सड़कों का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलोनी निवासी भी मौजूद रहे। हालत देख सकते हैं, यहाँ शाम गली अर्जुन गेट में काफ़ी दुर्दशा गलियों की रही है और इसमें सीवरेज की पाइपलाइन भी अब दोबारा से बिछाई है, उसके साथ साथ पानी की पाइपलाइन भी। अब यहाँ पर दोबारा से नई गलियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। हमारे यहाँ के पार्षद भाई युद्धवीर सैनी जी ने यहाँ का काम बड़े अच्छे ढंग से करवाया और आगे भी लोगों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए हमारा प्रयास है। यहाँ पर आज 11,00,000 का एक काम शुरू हुआ है, जो कि गलियों का निर्माण कार्य है। मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप गुणवत्ता को चेक करते रहें, जहाँ कोई काम में कमी मिलती है तो उसे हमें ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि शहर को बेहतर व्यवस्था दे सके। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारा शहर आगे बढ़ रहा है। हमने बहुत सारी सौंदर्यकरण की, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की है, उसके साथ साथ लोगों के बेसिक अम्यूनिटी को भी हम देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं सभी यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए भाई नीतू सैनी को भी इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने लोगों की इस जन समस्या को बड़े ध्यान से आगे लिया और आगे आने वाले समय में इसका समाधान किया। शाम गली है जिसका निर्माण कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेयर मैडम ने शुरुआत कराई है इन गलियों की। ये इस गलियों में 30 से 40 साल पुराने सीवर की लाइनें जी पहले वो बदली गई, पानी की लाइन बदली गई, अब इस गली में बजरी की सड़कें और खुली छोटी नालियां बनेगी, जिससे इस गलियों में अच्छा सुंदर गलियां बनेगी। कब तक हो जाएगा काम पूरा? ये एक माह में लगभग काम पूरा होगा। कितने रुपए की लागत है? लगभग 11,00,000 की लागत से गलियों का निर्माण कार्य होगा। कितनी गलियां हैं इसमें? लगभग पूरा मोहल्ला ही है ये पूरा, इसमें 8-10 गलियां है छोटी मोटी मिला के। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं? शाम गली है जी, शाम गली, अर्जुन गेट शाम गली। लोगों से भी पूरा ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।